गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर बी फाइन। टुडे वी स्टार्ट थर्ड चैप्टर, हाउ बटरफ्लाई बीएस ग्रेड सेकेंड। हाउ कैसे बटरफ्लाई तितली बीएस जन्मती है। ये बीएआर का मतलब क्या, भालू भी होता है एक क्रिएचर जो है, जो इसको हम भालू जानते हैं कहते हैं। बियर का मतलब भालू भी होता है, लेकिन यहाँ जो ये बियर के लिए जो यूज किया गया है वर्ड, वो जन्म लेने के लिए लिया गया है। बटरफ्लाई, आपको मैं बटरफ्लाई जो है वो दिखा देता हूँ। मैंने स्लाइड्स ली हैं बटरफ्लाई की, तितली जिसको कहते हैं हम। ये देखो, ये बटरफ्लाई होती है बेटा, ठीक है, बटरफ्लाई। फिर कहते हैं कॉकरोच, कॉकरोच भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये कॉकरोच है बेटा, और ये मक्खी है हमारी जिसको हम हाउस फ्लाई कहते हैं, और ये मॉस्किटो, ठीक है। बटरफ्लाई, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो एट्सेट्रा आर सच इंसेक्ट हु बियर 3 or 4 टाइम्स इन देयर लाइफ। कहते हैं कि बटरफ्लाई, कॉकरोच और हाउस फ्लाई, मॉस्किटो। बटरफ्लाई मैंने बताया आपको, तितली, कॉकरोच आपको मैंने बता दिया ना, तिलचट्टा जैसे मैंने आपको शो की है, और हाउस फ्लाई मक्खी जो आप मक्खी देखते हो घरों में, मॉस्किटो मच्छर जो आप घरों में मच्छर देखते हो, ये सारे के सारे इंसेक्ट, ठीक है ना, कीट पतंगे जिनको हम बोलते हैं, हु बियर 3 or 4 टाइम्स इन देयर लाइफ, जो 3 से 4 बार जो है अपने लाइफ में ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर ए बटरफ्लाई डिस्क्राइब इट्स बर्थ। वो कहते हैं कि इस चैप्टर के अंदर कि एक जो तितली है वो हमें अपने जन्म के बारे में, अपने बर्थ के बारे में बताएगी। क्या कहती है, देखो सुनो। एट फर्स्ट, कहते हैं शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत में, वी आर टीनी लिटिल एग्स ऑन ए लीफ। हम बहुत ही छोटे, बहुत 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 ही छोटे छोटे जो है एक अंडे होते हैं। एग्स मतलब अंडे, EGGS, एग्स मतलब अंडे, ठीक है। कहते हैं कि जो लीफ पर, पत्तों पर, कहते हैं एट फर्स्ट, सबसे पहले वी वर टीनी लिटिल एग्स ऑन ए लीफ। कहते हैं कि हम जो है छोटे जो पत्ते, लिटिल एग होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे जो है लिटिल एग होते हैं जो पत्तों पर होते हैं। वन डे द एग्स क्रैक्ड। और कहते हैं कि एक दिन वो जो छोटे छोटे जो एग्स हैं वो क्रैक होते हैं, टूटते हैं वन बाय वन, एक एक करके। वी केम आउट इन टू द ब्राइट लाइट ऑफ द सन। और हम जो है उस अंधेरे में से, उस अंधियार में से, उस अंडे में से जब बाहर निकलते हैं तो हमारे सामने सूर्य की चमकती हुई किरणें होती हैं। वी लुक्ड एट ईच अदर। हम एक दूसरे को देखते हैं कि अब हम किस संसार में जो है आ गए हैं, क्योंकि जब अंडे के अंदर होते हैं तो वो सारा अंडा, आपको पता ही है, बंद होता है तो वो बिल्कुल अंधेरा रहता है उनको, ठीक है। और जब वो क्रैक होता है, फूटता है, जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके सामने जो है सूर्य की किरणें वो है वो आती हैं, और जो लाइट है वो उनको जगमगाती है, चमकती है, और वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कहते हैं देयर वर 7 ऑफ अस। और हम जो है इस प्रकार 7 होते हैं, यानी कि 7 अंडे होते हैं तितली के, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ये अंडे देखो, आप देख पा रहे होंगे लीफ के ऊपर जो है छोटे छोटे जो है अंडे रखे हुए हैं, ठीक है। फिर कहते हैं बटरफ्लाई, कहते हैं वी लुक्ड एट ईच अदर, वी वर लाइक टिनी थ्रेड्स, वी वर 7 ऑफ अस। और हम कहते हैं कि छोटे छोटे धागों जैसे होते हैं और हम 7 होते हैं। आई वॉज हंगरी, द ग्रीन लीव्स लुक डिलीशियस। वो कहते हैं मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई है, और ये जो हरे हरे पत्ते हैं वो हमें बहुत ही स्वादिष्ट नज़र आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। और कहते हैं आई टुक ए बाइट। और कहते हैं मैंने एक टुकड़ा जो है वो खाया है, छोटा सा टुकड़ा जो है उसको काटा है। आई वो, इट वॉज टेस्टी। कहते हैं बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत टेस्टी है। आई सा दैट माई ब्रदर एंड सिस्टर टू वर ईटिंग द लीफ। और मैं यह देख पा रही हूँ कि मेरे जो भाई बहन हैं वो भी उस पत्ते को, उस लीफ को जो है वो खा रहे हैं। वी शून एट अप द होल लीफ एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट। और हमने धीरे धीरे जो है बहुत ही जल्दी इस लीफ को जो है वो खा लिया है, और अब हम दूसरे लीफ की ओर चल पड़े हैं। दूज वर हैप्पी डेज। कहते हैं वो बहुत ही अच्छे दिन थे, खुशी के दिन थे। वी मंच्ड ऑल डे। वे हम की कहते हैं कि हम सारा दिन जो है मस्ती करते थे। वी आल्सो ग्रू बिगर एंड बिगर। हम हर रोज दिन ब दिन जो है वो बढ़ रहे थे।
हम दिन ब दिन जो है ग्रो कर रहे थे। अब आप देख पा रहे होंगे कि अपने ऊपर जो ये आप देख पा रहे हो लीफ, इस लीफ पे जो है छोटे छोटे जो है क्या हैं एग्स रखे हुए हैं, और ये जो एग्स हैं वो धीरे धीरे क्रैक होते हैं, और क्रैक होने के बाद में बेटा देखो अब इनमें से जो है आप देख रहे हैं ये कीट निकल आए हैं, कीट धीरे धीरे जो है वो तितलियाँ बन जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब हम देखते हैं किसी के जन्म की बात करें तो एक तितली जो है सबसे पहले अंडे में होती है, फिर अंडे से वो धीरे से जो है वो अंडा फूटता है, क्रैक होता है, फिर वो उससे बाहर निकलती है और फिर वो जो है बड़ी तितली का रूप ले लेती है, पंख उसके आ जाते हैं, वो उड़ने लग जाती है। तो यही हमारा चैप्टर जो है हाफ एंड हाफ जो चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट बेटा, और जो रहता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग इट केयरफुली, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम स्टे सेफ।